छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने बलौदा बाजार से नानघाट सड़क निर्माण में अनियमितता का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि सड़क के जर्जर होने से हादसे बढ़े हैं। सड़क की अनियमितता का ये मामला चौथी बार विधानसभा में उठा है। जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री दामोदर साहू ने बताया कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान की रिपोर्ट में सड़कों का सुधार करने का निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में किसी पर कार्रवाई का निर्देश नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि क्या अफसरों की मौजूदगी में सड़क की वीडियोग्राफी कराई जाएगी? आपके निर्देशों का माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था माननीय छोड़िए ना, उसको मैंने कह दिया है जमा करने के लिए, करेंगे हम, ठीक है। चूंकि उसको आईआरयू कहा है तो उसका शोषण समाप्त होना चाहिए। माननीय 2000 रुपया में, 2000 करोड़ में उसको 1 रुपया नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो प्रश्न चलिए प्रश्नकाल आइए शिवरतन जी शर्मा, प्रश्न का उत्तर आ जाए। 2000 करोड़ रुपया में उनको देखने, 2 रुपया देखने के नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद को मिलना तो अलग बात, वो देखा नहीं है बेचारा। प्लीज वो तो हो गया ना, अपने क्वेश्चन पे आइए, आप नहीं जा सकते दूसरे। मैं बोल चुका हूँ उनको कि आके जमा करेंगे, आज दे देंगे। व्यवस्था तो याद दिला रहा हूँ, नहीं मुझे याद है, मैंने उनसे कहा है कि आप जमा कर बताइए। इनके दृष्टता पर आप कुछ कहिए, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। चलिए चलिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो आज प्रश्न लगाया है, इस प्रश्न को इस पांचवी विधानसभा में मैंने चौथी बार लगाया है माननीय अध्यक्ष, और मेरे प्रश्न लगाने के पश्चात केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से विभाग ने जांच भी कराई है, और जो जांच रिपोर्ट आई है उस जांच रिपोर्ट में कुछ स्थानों पर ना टूटना इसलिए भी होता है कि जैसे आज 10 टन की सड़क चल रही है, उस मापदंड से हमारी सड़क बनी। अब उधर नया नया आविष्कार होते रहता है, और नया नया आविष्कार होते रहता है, फिर अब वो 20 टन की गाड़ी आ गई तो दब के टूटना ही है। अब हम उस लेवल पे सड़क बनाते हैं, उस रेशियो में, उस मटेरियल में हम गिट्टी रेती सीमेंट डालते हैं, तो फिर उससे बड़ी आ जाती है, कि एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए हम लोग पीजी के तहत सड़क जहाँ भी खराब होता है, या भवन या पुल पुलिया, तो हमारी पीजी होती है परफॉर्मेंस गारंटी अवधि ठेकेदार के लिए। उस अवधि तक ठेकेदार से हम लोग मरम्मत कार्य कराते हैं, और उसके बाद विभाग द्वारा किया जाता है। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का उत्तर अलग है, मैंने प्रश्न अलग किया है। जब आपकी केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ने रिपोर्ट में साफ कह दिया कि मापदंड के अनुसार नहीं पाया गया, ये तो सीधा सीधा अनियमितता है ना। तो आप अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बार बार आप मेरे प्रश्न को समझ लीजिए, मैं रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहा हूं, और आप जवाब दूसरा दे रहे हैं। पहला आप ये बता दीजिए, रिपोर्ट में मापदंड के अनुसार पाया जाना कि नहीं जाए पाया गया है ये, और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है, जांच रिपोर्ट में चैनेज 22+800 से चैनेज 37-200 के बीच कुछ स्थानों पर रटिंग माने दबा हुआ सड़क, रटिंग पाया गया। रिपोर्ट में रटिंग को सुधार करने का लेख किया गया, कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है। माने उस स्तर का खराब नहीं है कि कार्यवाही किसी के ऊपर दोष लगाया जाए, कार्यवाही किया जाए, सुधार योग्य बताया गया है। हम लोगों ने सुधार ठेकेदार के खर्च पर कर